तो दोस्तों हम लोग आज जा रहे हैं मांडू घूमने। हमारे साथ और भी लोग हैं, ये हमारी फ्रेंड, और इसको तो आपने पिछले ब्लॉग में देखा। वो इधर हमारा भाई भी है, रोहित भाई, ये भी खंडवा से है। तो हम लोग जा रहे हैं मांडू। तो हम लोग आए हैं रानी रूपमती का महल मांडू में। तो हम आपको आज किला घुमाएंगे कि देखते हैं किला कैसा है ऊपर से। हम लोग यहाँ पर फिलहाल अभी एक जो गाड़ी का स्टैंड है वहाँ पर रुके हैं, और मेरे साथ आज और भी लोग हैं। तो घूमते चलिए, देखते हैं, मिलते हैं। तो ये है मांडू, और हम जाने वाले हैं उधर ऊपर, चलिए देखते हैं। जो एंट्रेंस रहा है उसकी टिकट रही है 25 रुपीस पर पर्सन आपको लगेगा, और इधर ऊपर जाना है जो कि यहाँ, ये आप देख रहे हो आगे गाड़ी पार्किंग है। ये थोड़े बहुत स्टॉल से आप पानी वगैरह जो भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह आपको लेना आप ले सकते हैं। और ऊपर जाना है तो ऊपर जाने का रास्ता पैदल जाना पड़ेगा, पैदल पैदल पैदल। तुम वाले ब्लॉक में भी आओगे? टिकट मिल गई है ये भैया, यहाँ पे टिकट लेंगे तो टिकट देना है, दिखाया वगैरह आपको अंदर नहीं जाने देंगे। चढ़ाई है बहुत बड़ी और आप थक सकते हैं इसमें चढ़ने से। कौन से राजा की सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ। तो आप जैसे देख रहे हैं कि हम पैदल चढ़ रहे हैं, और ये सीढ़ी बहुत सॉलिड है। ये थकावन भरे चेहरे, ये चढ़ाव जाना है ऊपर और सब घूम रहे हैं। तो जैसे कि हमारे साथ रोहित भाई भी है। अब हम पहुंच गए वार्ड क्रमांक एक में। वार्ड क्रमांक एक, ये नज़ारा देखिए, एक का ये नज़ारा, वार्ड क्रमांक एक का महल ऊपर है, और दो के लिए आपको वहां जाना पड़ेगा, और इस सीढ़ी का यूज करेंगे। और मेरी वादी के लिए इधर बना रहा हूँ मैं। इधर आपका पर्सनल रूट बना सकते हो। और चलिए देखेंगे जो कि ये बहुत ही जगह। तो हमारे साथ है प्राची, मुंह छुपा रही। हम कहाँ जा रहे हैं आज? मांडव। क्या बात कर रहे हो? अरे ये था रानी का स्विमिंग पूल, जहाँ पे रानी नहाया करती थी। जैसे कि आप देख रहे हैं, डर के हमारे पसीना इतना तेज हो रहा है, और गर्मी के मारे है क्या? डर के, डर और गर्मी का पसीना इतना भयंकर, दर दर आता हुआ पसीना। ये देखो, और आप देखो बच्चे यहाँ पे घूम रहे हैं। हेलो हेलो, ये गुप्त रास्ते के साथ ही यहाँ पे जो हमला होता था, और इसी रास्ते के साथ जो स्त्री, वो स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है। बिल्कुल पतला सा रास्ता बनाया हुआ है। देख सुन रहे हैं आप सब सुन रहे हैं, और देखिए किसी के पैर पैर जाते हो यहाँ पे। वाओ, व्हाट अ प्लेस। वो दूर से देखिए, वहां से हमला होता था और सीधे तीर यहाँ पड़ता था दीवार में। ये खड्डा जो हुआ है
ये वो तीर के वैसे हुआ है। हाँ बिल्कुल, लोग जा रहे हैं और थोड़ी आगे टिकटॉकर्स जहाँ देखो वहाँ टिकटॉकर्स। मांडू में कुछ देखने को तो नहीं मिला, पर एक ही चीज देखने को मिली, जहाँ देखो वहाँ टिकटॉक बनाया जा रहे हैं और टिकटॉक का फीवर इस कदर चढ़ा है कि लोग देख सकते हैं यहाँ पे भी लगे हुए हैं। हमारे साथ ये लोग भी टिकटॉक बन गए हैं आज, जो टिकटॉक का फीवर है सब जगह चढ़ रहा है, मोटो मोटो गाना जगह जगह पे। ये वही गार्डन है जहाँ पे रानी वो यहाँ बैठ के चाय पीती थी और घूमती थी। ध्यान से देखिए, हमें एक और गुफा मिली है जो कि गुप्त मार्ग कहा जाता है इसे। बहुत छोटी सी गुफा है, पतली सी और सीढ़ियां ही सीढ़ियां हैं और काली काली जगह है। बाप, फोटो सेशन चल रहा है यहाँ पे। एक ही लोग जा पाएंगे सिंगल, यहाँ तो काफी क्राउड है यार, क्या बात है। अरे इस किले के सबसे टॉप पे रानी रूपमती का महल है, यहाँ पे रानी घूमती रहती थी। ये देखिए बहुत बढ़िया प्लेस है और टेढ़ा जगह है, शायद आप देख पा रहे हो। वो जगह जहाँ से बहुत सारे हमले होते थे आप देख रहे हो, बहुत ही खतरनाक सी प्लेस है। यहाँ पे आया तो आप थोड़ा संभल के रहे, आपके जूते वूते ले इसे, मैंने बाल किधर जा रहे हैं यार। ये है वो कोने वाली जगह, नहीं ये बहुत पतली सी जगह है, आप एक ही जन जा सकते हैं, दो लोग यहाँ पे विजिट नहीं कर पाएंगे। देखिए कोने में से एकदम कॉर्नर दिया है, यहाँ यही वो कोना है जहाँ शायद राजा रानी से मिलने आते थे। आप देख सकते हैं बहुत सही जगह है ये, एग्जिट गेट वापस जा रहे हैं। अच्छा कर दिया।